एक सेकंड, तुम बड़े खुश हो, क्या जरूरत थी आने की, वो कल खुद आ तो रही थी। हाँ तो कल से आ जाएगी, क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बहुत खुशी होती है ना उसे लाने में। चुप हो जा, अभी घर के बाहर पहुंच गए, जल्दी चल। अरे चल रहे। अरे साक्षी। अरे साली साहिबा जी, कहाँ हैं आप? आ जाएगी, बैठो। हाँ बैठ ही रहा हूँ। साली साहिबा। अरे दीदी, जीजू, आप लोग यहाँ कैसे? हाँ हम लोग आ गए। मैं तो बोल रही थी तेरे जीजू को, क्या जरूरत है, कल तू आ ही रही है। पर नहीं, इनको तो साली साहिबा को खुद लेके आना था, आ गए यहाँ पे इतना टाइम लगा के। मुझे तो कभी नहीं आया तुम ससुराल लेने, जिसको आ जाते हो लेने। तो दिक्कत क्या है, घर पे फ्री तो बैठे थे, और कल की जगह आ जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी? फ्री नहीं, मुझे बहुत काम होते हैं घर पे। हाँ तू ही तो देख रही है सारे। तेरे ही तो बिजनेस चल रहे हैं घर में। चलो अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वैसे भी ना बहुत सारे काम पड़े हुए थे घर के। मम्मी तो बाहर चली गई, अब मैं सारे काम कैसे करूंगी। सही है आप लोग आ गए। ओ हेलो, मैं ना तेरे यहाँ कोई काम कराने नहीं आई हूँ, मेरे घर पे कम होते हैं जो मैं यहाँ भी काम करूँ। मैं कोई सफाई नहीं कराने वाली, मैं कुछ भी नहीं कराने वाली, तू अपना देख ले। ओ तू कौन सा काम करती घर पे? सारा काम मैं करता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब चीज मैं देखता हूँ, मुंह बंद कर ले अपना। साली साहिब आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं करवाऊंगा आपके सारे काम, करवाऊंगा झाड़ू करूंगा पोछा करूंगा बर्तन करूंगा। एक सेकेंड, मेरी हेल्प तो नहीं कराते इतनी खुशी खुशी? चार बार मुझे डांटना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, तब जाके कराते हो मेरी हेल्प, उसकी इतनी खुशी खुशी हेल्प करा रहे हो, कुछ काम नहीं करोगे? तुझे जो काम, चुप रहो, पूछ के करूंगा मैं, मुंह बंद कर ले अपना। तुझे इतना हो रहा ना, यहाँ से तू चली जा, हम आ जाएंगे। अच्छा अपनी बीवी को बोल रहे हो अकेली चली जाऊं, तुम इसके साथ आओगे? हाँ तो क्या दिक्कत है, अभी आने दूंगी, चुप बैठो यहाँ पे। तू एक काम कर, तुझे काम है ना, हम लोग चले जाते हैं, तू कल आराम से। नहीं दीदी, आज ही जाऊंगी मैं आपके साथ, बस पैकिंग ही तो करानी है, करा देंगे ना जीजू मेरे साथ? हाँ हमारे साथ ही जाना, टेंशन मत लो तुम, मैं हेल्प करवाऊंगा ना तुम्हारी। एक सेकंड, यहीं बैठ जाओ, बहुत हो गया, कुछ हेल्प नहीं करा रहे हो, जा पैकिंग कर ले। बस पैकिंग ही तो करानी है, करा देंगे ना जीजू मेरे साथ? मैं आ रहा हूँ ना पैकिंग करा। हाँ जाओ कराओ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बंद कर ले। यार जीजू, दीदी इतने गुस्से में क्यों रहती हैं, हमेशा चिल्लाती रहती हैं बस। इसी बात की तो मुझे भी समझ में नहीं आती, जब से शादी करी ना ऐसी शक्ल देखी है, पता नहीं तब से गुस्सा ही बैठा हुआ नाक पे, हंसती तो कभी देखी नहीं मैंने। छोड़ना उसे, तू एक काम कर, बढ़िया बढ़िया कपड़े डाल ले अपने, और हम लोग ना मनाली चलेंगे घूमने, ठीक है? और जीजू मैं तो बस 6-7 दिन के लिए आ रही हूँ। अरे नहीं तू छोड़, तू 3 महीने के लिए बैग पैक कर ले, हम लोग घूमने चलेंगे, फिर दीदी भी यही छोड़ देंगे, घर से चलेंगे। पर दीदी गुस्सा हो जाएगी ना फिर। तो वो तो वैसे भी गुस्से में रहती है, उसमें नई बात क्या, थोड़ी और हो जाएगी। हाँ ना ले, कौन सी तरह ये वाली अच्छी है ना, ये भी डाल ले, भर दे भर दे सारे, भर ले 3-4 महीने के एक साथ ले ले। चले दीदी। अरे वाह, बड़ी जल्दी सामान पैक हो गया। जीजू नहीं तो करा है, जल्दी जल्दी से बहुत सारे कपड़े भर लिया मैंने, बस चल तो रहे हैं हम। एक आदमी की ना खुशी नहीं देखी जा रही मुझ पे। हाँ तेरे से क्यों देखी जाएगी खुशी, आज तक तू ना खुश कहाँ देखा मुझे। चलो